बघवाल या इगास कह लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पहाड़ में बघवाल मतलब दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने की परंपरा है। ज्योति पर्व दीपावली का उत्सव इसी दिन पराकाष्ठा को पहुंचता है, इसलिए पर्वों की इस श्रृंखला को इगास बघवाल का नाम दिया गया है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन लक्ष्मी जागृत होती हैं, इसलिए बघवाल को लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जबकि हरिबोधनी एकादशी यानी इगास पर्व पर श्री हरि शयनावस्था से जागृत होते हैं। सो इस दिन विष्णु की पूजा का विधान है। देखा जाए तो उत्तराखंड में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से ही दीप पर्व शुरू हो जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी हरिबोधनी एकादशी तक चलता है। इसे इगास बघवाल कहा जाता है और इसको लेकर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी काफी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। भोजपुरी सिने जगत के सुपरस्टार, दिल्ली के लोकप्रिय सांसद और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के माननीय अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने अपनी गायन शैली से लोगों से अपील की है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए खुद इस वीडियो में। ठंडो रे ठंडो तेरे पहाड़ा के हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो तेरे पहाड़ा के हवा ठंडी पानी ठंडो। मैं अनिल वलूनी जी के उस मुहिम को बहुत प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने शुरू किया है कि अपना त्योहार अपने गांव में मनाइए, पहाड़ों की संस्कृति को बचाइए। इगास या कई इकासी, इसको मनाने के लिए गांव जाइए। मैं अनिल वलूनी जी के इस मुहिम को बहुत प्रशंसा के योग्य समझता हूँ और इसमें सीखने लायक है। हम भी अपने बिहार में इसको मनाना इसका करना चाहते हैं। क्यों कि हमारे पुरखिये जिन पगडंडियों से चले हैं वो निर्जन हो रहे हैं, सुनसान हो रहे हैं साथियों। इसलिए आइए इस मुहिम में आप सब लग जाइए, इसी की सफलता में हमारे संस्कृति की सफलता है। तो सुना आपने, बूढ़ी दीपावली पर आप अपने घर जरूर जाएं, यही कहना है सांसद का। इन दिनों सुबह से लेकर दोपहर तक गोवंश की पूजा की जाती है। मवेशियों के लिए भात, झंगोरा, बारी, मड़ुए के आटे का हलवा और जौ का पीड़ू तैयार किया जाता है। भात, झंगोरा, बारी और जौ के बड़े लड्डू तैयार कर परात में कई तरह के फूलों से सजाया जाता है। माथे पर हल्दी का टीका और सिंगों पर सरसों का तेल लगाकर उन्हें परात में सजा अन्न ग्रास दिया जाता है, इसे गोग्रास कहते हैं। बघवाल और इगास को घरों में पूरी, सुवाली, पकौड़ी, भूरा आदि का पकवान बनाकर उन सभी परिवारों में बांटे जाते हैं जिनकी बघवाल नहीं होती। इस पर्व पर भी रात में पूजन के बाद गाँव के सभी लोग भैलो खेलते हैं। तो आप भी अपने गाँव पहुँचिए और उत्सव में परंपराओं का समावेश को समझिए, यही कहना है सांसद का। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।